गुड मॉर्निंग एवरीवन, कि तुसी भी बहुत सारा तो इररेगुलर पीरियड्स ना सफ़र कर रहे हो, हॉर्मोन्स इम्बैलेंस हो गया, फेस के वड्डे वड्डे फेशियल हेयर हो गया, एक्ने हो गया, फेस दिन ब दिन खराब होंदा जा रहा है, बॉडी का वेट इन्ना ज़्यादा वध गया कि कितने भी बाहर जाते हुए बड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हो। जी हाँ, ये सारा कुछ उदों होंदा जो असी ओवर वेट हो जाने ते या फिर अपना ध्यान रखना बंद कर दें। तुसी सवेर तो लैके रात तक सारिआं दा ध्यान रखते हो, अपने लिए टाइम क्यों नहीं कढ़ते? कि तुसीं सवेरे अद्धा घंटा ते शाम ही अद्धा घंटा वॉक नहीं कर सकते? कि तुसीं घर दी डाइट नाल अपने आप नूं ठीक नहीं कर सकते? प्लीज़ मेरिया भैणा, अज भी उठो, दिवाली आ गई, दिवाली ने चले जाना, अगली दिवाली आ जानी है, तुसीं हर दिवाली अपने आप नूं इदां क्यों रखदी हो? आओ इस दिवाली ते एक दूजे दे नाल असीं प्रोमिस करिए कि अगली दिवाली तो पहला असीं इन्ने कु फिट हो जाएंगे, साडियां जो भी प्रॉब्लम्स है असीं उन्हों नैचुरल तरीके दे नाल हमेशा लिए ठीक करांगे, नैचुरल डाइट दे नाल, नेचर नाल कनैक्ट करांगे, अमृत वेले उठांगे, सवेरे शामी उठ के वॉक करांगे ते सिर्फ और सिर्फ घर दी डाइट खावांगे, ना कि अपने आप नूं दवाइयां दे नाल ठीक करांगे। जब तक दवाइयां खांदे रहोंगे, फिट रहोंगे, दवाइयां छड्ड दोंगे, होर ज़्यादा बीमार हो जाओगे। कि तुहानूं पता है तुसीं दवाइयां खा के अपने आप नूं अंदरों किन्ना ज़्यादा हार्म कर रहे हो? ये दवाइयाँ थोड़े अंदर जाके किन्ना घर कर रही हैं? एक दिन एक कैंसर तक बन जाती है। सो प्लीज़ अज ये दवाइयाँ छोड़ो, दवाइयाँ दे जिन्ने भी डब्बे है घर तो बाहर सिटो, नैचुरल डाइट खाओ, नेचर ना कनैक्ट करो, अर्ली मॉर्निंग उठो, पाठ करो ते वॉक करो।